हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में एलईडी टीवीज जो हैं अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर कितनी ड्यूटी आपको पे करनी होगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं और ये सिर्फ 9,000 रुपये में आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट, और साथ में डोमेन और होस्टिंग ये बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर आप अपने कारोबार की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो इनको इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। सो दोस्तों, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। अगर आपको एलईडी टीवी पाकिस्तान में इंपोर्ट करना है तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी जो है वो 20% होगी, सेल्स टैक्स 17% और एडिशनल सेल्स टैक्स 3%, और रेगुलेटरी जो ड्यूटी होगी वो 40% होगी, और इनकम टैक्स जो है वो 9% है अगर आप फाइलर हो। अगर आप नॉन फाइलर हो तो 9%, अगर आप नॉन फाइलर हो तो 9%, अगर फाइलर हो तो 6%, और इसी तरह से एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो 1% होगी। दोस्तों, ये वो ड्यूटीज़ हैं वो आपको पे करनी होगी अगर आप पाकिस्तान में एलईडी टीवी इम्पोर्ट करना चाह रहे हो। ये जो एलईडी टीवी का जो एचएस कोड है वो ये है, इस एचएस कोड के अगेंस्ट ये सारी ड्यूटीज आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी आइटम का कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह अगर आपको पता करनी हो या कुछ भी पूछना हो, आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, हम लाजमी आपको रिप्लाई करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम बनाते रहें और शेयर करते रहें आप भाइयों में। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।